इनको बताता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, इसका जवाब दीजिएगा अगर आपको देना हो तो। विवेक श्रीवास्तव किसी से भी बदतमीजी नहीं, कोई गर्व मुसलमानों का ग्राफिक रही है। और मैं पूछूंगा कब चाइना एम्बेसी के सामने आप प्रदर्शन करेंगे? शोएब जमाई से भी यह सवाल पूछूंगा, शोएब जमाई से भी यह सवाल पूछूंगा, लगाइए उइगर मुसलमानों पर क्या क्या अत्याचार हो रहा है चाइना के अंदर, कब विवेक श्रीवास्तव प्रदर्शन करेंगे बताइए। चीन बना उइगर मुसलमानों के लिए जहन्नुम, यह हकीकत है। 10 लाख उइगर मुसलमानों चीनी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, चीन की जहन में कैद है लाखों उइगर मुसलमान। चीन बना उइगर मुसलमानों के लिए जहन्नुम, मुझे बताइए शोएब जमाई और सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव कब? बदतमीजी तो आप कर लेते हैं, कब चाइना एम्बेसी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे जवाब दीजिए। हम बदतमीजी नहीं कर रहे, बड़ा मजा आ रहा है बदतमीजी नहीं कर रहे मारने में। आप सुनिए, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे को, वैलेंटाइन डे में कॉलेज के लड़के लड़कियों को जब बजरंग दल के लोग पीटते हैं तब आप रिलीजियस इंटॉलरेंस आपको नहीं याद आती है? जब मॉब लिंचिंग होती है तब आपको रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं याद आती है? और आज आपको पाकिस्तानी मुसलमानों को बाल घर के साधुओं की मॉब लिंचिंग हो गई तब आपके गले में क्या दही जम गया था? विवेक की बात तो जवाब दीजिए। नहीं नहीं, तब क्यों चिल्लाते थे? तब क्यों चिल्लाते थे आप लोग? जो आपका मुंह कला गया, जब आरएसएस कहते हैं किचन में अच्छी लगती है, जब आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि औरत किचन में अच्छी लगती है तब वो इंटॉलरेंस नहीं है। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस को एक धर्म से मत करो। अच्छे लगते हो यार, इंसान होता है घर में, अच्छे लगते हो ना टीवी पे, अच्छे लगते हो। क्रिमिनल इंसान होता है, किसी भी धर्म का हो। अरे तुम कहां अच्छे लगते हो? डालिए आप, तुम तो ना भारत हो ना औरत हो। आधार पे, अरे तुम कहां अच्छे लगते हो? आरएसएस सिंह तुम्हारे साथ के दलाल हो, आरएसएस के आदमी हो, तुम्हारे से की बात करो। लेकिन ये बताओ ये वैलेंटाइन डे मनाना सही है या गलत? लिए किया क्या है? बताओ बजरंग दल वालों को, तुम कहां अच्छे लगते हो? तुमको तो कोई जानता नहीं। देश के हम साथ खड़े हैं, तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। घर में जो तुम दलाली करने यहाँ बैठे हो हिंदू परिवार की, पैसे तुम्हें तो कोई पोजीशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें तो कोई पोजीशन भी नहीं मिलेगी, तुम थर्ड रेट आदमी के पैसे से कल भी। लेकिन आप सुन लो, लाल शर्ट के आधार पे किसी को इंटॉलरेंट मत कहो। चाइनीज के पैसे से इंटॉलरेंस और क्रिमिनल एटीट्यूड, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके धर्म पर नहीं निर्भर करता है। आपका भाषण नहीं, सबको पता है कौन इंटॉलरेंस का समर्थन करता है और कौन नहीं करता है। क्या आप फ्रांस में गला रेते जाने का समर्थन कर रहे हैं? क्या फ्रांस में आप गला रेते जाने का समर्थन कर रहे हैं? क्या फ्रांस में आप गला रेते जाने का समर्थन कर रहे हैं?